रजनीकांत और अक्षय कुमार की आने वाली सबसे बड़ी फिल्म यानी कि रोबोट 2.0। इस फिल्म का लोगों को सभी को बेसब्री से इंतजार था। आपको बता दें कि ये फिल्म पहले 2017 दिसंबर में आने वाली थी, लेकिन इसकी रिलीज डेट को काफ़ी बार आगे खसकाया गया और उसके बाद ये फिल्म 2018 में अप्रैल में रिलीज करने का प्लान बनाया गया, लेकिन उसके बाद भी इसकी रिलीज डेट को आगे खसका दिया गया और अब इसकी रिलीज डेट फाइनल हो चुकी है। आपको बता दें कि इसकी रिलीज डेट है 29 नवंबर 2018, यानी कि इसी साल। अब बात करते हैं अक्षय कुमार के किरदार के बारे में। ये बहुत ज़्यादा सस्पेंस में रखा गया किरदार है। आपको बता दें कि इसके अंदर अक्षय कुमार एक क्रोमैन का किरदार निभा रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिरकार अक्षय कुमार क्रोमैन बनते कैसे हैं। आपको बता दें कि अक्षय कुमार इस फिल्म में क्रोमैन बनकर पूरी इलेक्ट्रिसिटी पावर को अपने हाथों में लेना चाहते हैं। इस फिल्म में आप लोगों को दिखाई देगा कि अक्षय कुमार कैसे पक्षियों के पक्ष में रहकर लड़ाई करते हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अक्षय कुमार का किरदार अच्छा है या फिर बुरा। अब ये तो जनता ही डिसाइड करेगी। रोबोट 2.0 की टीम ने जब इसके प्रमोशन स्टार्ट किए थे तो एक पोस्टर में लिखा गया था अक्षय कुमार की फोटो के साथ गुड और बैड। तो दोस्तों ये तो आप लोग ही डिसाइड करोगे कि क्रोमैन आखिरकार अच्छा था या फिर बुरा। आपको क्या लगता है कि अक्षय कुमार की ये फिल्म कितनी धमाकेदार होने वाली है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और भी अपडेट्स के लिए और भी रोबोट 2.0 के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिए बॉलीवुड जंक्शन को, क्योंकि यहीं पर मिलेगी आपको बॉलीवुड की हर खबर सबसे पहले।